हम्द व सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मागफ़रत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें और अच्छे अच्छे अमाल करते रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं म्यूनचन मेरी दोस्त की तरफ। बच्चों की छुट्टियों का 1 वीक रह गया है तो मालिन सफ़ा बोलने लगे कि मामा हमें जो है वो कहीं घुमाने लेके चलें। पहले तो ये गई थी हॉलैंड, गई थी म्यूनचन की सुगस्पिट्से पे, गई थी जर्मनी की ऊंची पहाड़ी जो है सबसे। तो लेकिन अभी इन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं जाना था फिर से कि मामा फिर स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर 3-4 महीने हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो हमें दोस्तों के पास ले गिर चलें जाएगा वो, लग और जाएगी घुमा उसको। फिरा लाएं। तो फिर मेरी दोस्त ने उम्मे लैला की, मेरी बहन की, दावत की थी। काफ़ी टाइम से पहले बुला रही थी, लास्ट टाइम भी जब वो लोग आए थे तो नहीं जा पाए थे हम लोग। तो अभी हमने सोचा चलो उधर ही चलते हैं और वहाँ आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों को घुमा लेंगे और हम भी देख लेंगे। तो ये रास्ता देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू है यहाँ का। म्यूनशन के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं उसी तरफ। रास्ते में म्यूनिख के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और बहुत ही प्यारे प्यारे खेत और इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ आती हैं कि दिल देख के दिल खुश हो जाता है और सूरत मुल्क की याद आती है। और उसका तर्जमा सुने तो यही चीज़ें सारी अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे हैं माशाल्लाह। तो आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये नज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह। और जरियान ने अपने दादा बो के साथ बहुत इन्जॉय किया, मालिन सफ़ा ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। हमारे घर से तकरीबन 4 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए और मालिन सफ़ा काफ़ी थक चुकी थी। कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप आ रही थी, कभी बादल बन रहे थे। इसी तरह हमारा सारा रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। तो इजाज़ जो हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे अपने दोस्त से मिलने के लिए और इन इजाज़ ने भी अपने 1 वीक की छुट्टियां ली थी कि मैं बच्चों के साथ घूम लूँगा। असल में मेरे भाई का भी आने का प्लान था और शेजी का और उम्मे लैला का, हम सब का प्लान था कि 1 वीक की छुट्टियों के साथ हम लोग कहीं घूम लेंगे। पहले तो हमारा डिज्नीलैंड जाने का प्रोग्राम था, वहाँ कोरोना की वजह से अभी तक कुछ ओपन ही नहीं हुआ। फिर बर्लिन जाने का प्रोग्राम बना, बर्लिन में जो है वो मौसम 3-4 दिन बारिश वाला दिखा रहा था। बच्चों अपने बच्चों के साथ जाना होता तो बंदा चला जाता है, लेकिन जारियान छोटा है, उसको बारिश में हम इस तरह नहीं लेके जा सकते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं और अब जारियान और उनके दादा वो जो हैं वो माशाल्लाह मस्तियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और बच्चों को काफ़ी चक्कर आ चुके थे सफ़र करते करते, काफ़ी थक गई थी। और आते ही जारियान को पापा को पकड़ा के, दादा को पकड़ा के, जिया ने भी खूब उल्टियाँ की और मालिन का भी काफ़ी दिल ख़राब हो रहा था। ये हम पहुँच चुके हैं जी, और चलें जी चलते हैं अंदर। नुसैबा और शिज़ा भी मालिन सफ़ा को देख के काफ़ी खुश हुई और काफ़ी एक्साइटेड थी माशाल्लाह से। और आते ही खाना रेडी था, मनोज भाई ने जो है वो बनाई हुई थी ग्रिल अपने पूरे बकरे की, अपने अपने जो कमांडो जो इनके पास ग्रिल है उसमें उन्होंने पूरे रान बकरे की 2 रानों को पे स्टीम पे बनाया हुआ था। आलू गोश्त का सालन बना था, मटरों का पुलाव बना था और खीरे का रायता बना था, बहुत ही मज़ेदार। और बच्चों को नीचे दस्तरखान लगा के दिया था ताकि ये जल्दी से खाना खा लें। और एक नई बात यहाँ पे ये हुई कि जारियान ने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट की यहाँ पे पहली दफ़ा। तो ये देखते हैं आपके जारियान माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में है, 3 सीढ़ियाँ ये चढ़ गया था। ये माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रे पद से बचाए, सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। दिखने तो माशाल्लाह बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत ही क्यूट और बहुत ही एक्टिव बेबी है हमारा अंश माशाल्लाह से। और जो है वो मेरी दोस्त इंतज़ार कर रही थी मेरा कि मैंने उन्हें बनाना सिखाना था तिरामिसो अपनी इजी रेसिपी से। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी तिरामिसो बनाया क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं।
तो मैं बहुत इजी रेसिपी से हमेशा तिरामिसू बनाती हूँ, जो कि 5 से 10 मिनट हार्डली लगते हैं और फिर ये तैयार होके बन जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने हम कांटा छुरी और चम्मच इस पे रख के अब इस पे मैं काकाओ डाल दूंगी और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। शुगर माशाल्लाह, जैसे कि मैंने मेट्रोमीन एक सुबह और एक शाम खाना स्टार्ट की हुई है, उससे मेरी शुगर काफ़ी अच्छी है, इंसुलिन भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब सोने की बेबी आ चुकी थी बारी, तो जारयान देखें जी नए घर में आके, बच्चों के कमरों में आके खिलौनों के देख के काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी माशाल्लाह खुश हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसी अपनी मालिन सफ़ा भी बहुत खुश थी और ये कहता आ जाओ आ जाओ, और मालिन और जारयान और मैं खेल रहे थे, तो इतने में शिज़ा और सफ़ा और नौशाबा सब आ गई कि हमें भी जारयान के साथ खेल। साथ में लग रही बस चलाओ स्लाइड दो इसको। पाँव उसका पाँव पाँव मैं सांप को नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का भी हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत दिन देखने को दिया, इतने अच्छे अच्छे दोस्त दिए, इतनी अच्छी अच्छी औलाद और इतना अच्छा हस्बैंड दिया। अल्लाह पाक का हर नेमत के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत शुक्र। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिखाएंगे म्यूनिख के कुछ पॉइंट्स, तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।